रतलाम की कंपनी के द्वारा बेची जाने वाली वाइन को वसीली करार दे सेहत के लिहाज से हानिकारक होने पर उसके खिलाफ मध्य प्रदेश सरकार से प्रतिबंध लगाने की गुहार लगा रहा यह युवक सागर का निवासी है, जिसका सीधा आरोप है कि पटेल वाइन एंड फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज रतलाम द्वारा जिस वाइन को अपने विभिन्न आउटलेट के माध्यम से बेचा जा रहा है उसकी गुणवत्ता सही नहीं है, जिसको लेकर उसने एक कंपनी को शिकायत भी दर्ज कराई थी, पर कंपनी द्वारा उल्टा उस पर ही दबाव बना शांत रहने को कहा गया और उसको डरा धमकाया भी गया। भूपेंद्र दीक्षित नामक युवक ने पूरे मामले में एक वार्ता कर इस विषय को मीडिया के सामने रखा और वाइन के दूषित होने से जुड़े कुछ प्रमाण भी रखे। युवक के मुताबिक उसने स्वयं कंपनी की फ्रेंचाइजी ली रखी थी, पर जब ग्राहकों से वाइन के संबंध में शिकायत मिलने लगी और उसको इसको लेकर कंपनी को अवगत कराया और उसकी सुनवाई नहीं हुई तो उसने स्वयं इससे किनारा कर लिया। युवक ने कंपनी के द्वारा जो उत्पादन किया जा रहा है उस पर कुछ सवाल खड़े किए हैं। इस मामले में फरियादी शिकायतकर्ता ने आबकारी विभाग प्रशासन को भी सूचित किया, पर कोई ठोस कार्रवाई सामने नहीं आई। तो अब वह सरकार के मुखिया से इस मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई की मांग मुखर कर रहा है। क्या मामला है ये जी? जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कंपनी ग्राहक, मैं खुद कंपनी का पिछले 10 साल से फ्रेंचाइजी ली थी मैंने, और कंपनी के द्वारा ग्राहकों के द्वारा ऐसी शिकायतें आ रही थी कि जिसमें वाइन के साथ कचड़ा और कीट पतंगों की शिकायत पहले आती थी। अभी ग्राहकों की स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का शिकायतें ग्राहक हमसे करने लगे, सेल्समैन से करने लगे, और ग्राहक हमारे एक बार आते उसके बाद आना छोड़ देते। और कुछ ग्राहक तो ऐसे हैं जिन्होंने शिकायत ही नहीं की, उन्होंने सीधा आना ही छोड़ दिया। क्या है, वाइन की शिकायत करना अपने आप में एक बहुत रिस्की काम होता है। हमने हमारे काफ़ी ग्राहकों से बोला कि आप सीधी आबकारी विभाग में, कलेक्टर महोदय में, या सीधी कंपनी में शिकायत करिए, लेकिन ग्राहक शराब कंपनी के खिलाफ शिकायत करना एक बहुत ही रिस्की काम होता है, इसलिए ग्राहक नहीं करता। क्या शिकायत आने की, क्या दिक्कत है? ग्राहकों को सबसे बड़ी शिकायत आ रही थी कि ग्राहक वाइन पीने के बाद बीमार पड़ रहे थे, ठीक है, इसके अलावा चक्कर आते थे, घबराहट होती थी, बीपी लो हाई होता था, ये सारी शिकायतें आती थी, मल से खून आता था, ये शिकायतें ग्राहकों के द्वारा ज़्यादातर आई है। आपने अभी बताया था प्रोडक्ट दिखाई थी अपने वाइन के, उसमें कुछ कचरा वगैरह निकल रहा था, आपने खरीदी हुई है, सागर से भी ली है, बाहर से भी ली है, क्या है ये? ये सर क्या है, मैंने फ्रेंचाइजी छोड़ दी थी 12 फरवरी 2024 को। उसके बाद कंपनी ने ऐसे शपथ पत्र बाकी फ्रेंचाइजियों से डिमांड की जिसका चौथा बिंदु था कि आप हमारी वाइन की प्रोडक्ट की क्वालिटी, लेबलिंग, पैकेजिंग से संतुष्ट हैं। ये बाकी फ्रेंचाइजी पे दबाव बना रहे थे और इन्होंने फ्रेंचाइजियों को धमकी भी दी थी, जिसमें राजेश पाटीदार जी ने एक वीडियो जारी किया था, उसके माध्यम से उन्होंने अन्य फ्रेंचाइजियों को धमकी दी थी कि यदि आप हमें ये शपथ पत्र नहीं देते हैं तो हम आपको फ्रेंचाइजी अधिकारिता पत्र जारी नहीं करेंगे और आप लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करवा पाएंगे। अभी जो आपने कॉन्फ्रेंस की है उसका क्या उद्देश्य है, क्या चाहते हैं आप, कहां तक शिकायत? देखिए, मेरा सीधा सीधा उद्देश्य है, चूंकि ये जो मामला है ये मध्य प्रदेश की जनता के हितों से जुड़ा है, स्वास्थ्य से जुड़ा है ना, तो मैं चाहता हूं और मुख्यमंत्री महोदय से मैं निवेदन करता हूं कि आप वाइनरी की जाँच करवाएँ, साथ ही मध्य प्रदेश में जितने भी आउटलेट चल रहे हैं और उन पर जो वाइन है तो खाद्य विभाग के द्वारा
खाद्य विभाग के द्वारा इन सभी आउटलेट से, मध्य प्रदेश के सभी आउटलेट से सैंपलिंग की जाए, वाइन की जांच की जाए और जो भी निकले उस पर कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। अभी आपने बताया था जान से मारने की धमकी भी आ रही थी आपके लिए, किस तरह की धमकी? सर बिल्कुल, अगर आप किसी शराब कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे तो आप भी जानते हैं ये काफ़ी पावरफुल लोग होते हैं। जैसा कि कंपनी के MD साहब से 15 मार्च 2024 को मैंने मुलाकात की थी और मेरी सिक्योरिटी मनी इनके पास जमा है, तो इन्होंने मुझसे बोला कि या तो आप पहले आपने जो नोटिस भेजा है और नोटिस में जो आपने कारण बताया है उसको उसका खंडन कीजिए, अन्यथा की स्थिति में आप अपनी फ्रेंचाइजी फीस जो चेक से जमा की है मैंने उसको भूल जाइए और उसको प्राप्त करने के लिए आप हमारे चक्कर लगाते रहिए, रतलाम के चक्कर लगाते रहेंगे, आपको नहीं मिलेगी। इसके अलावा 25 से 30 IPS IAS से इनके बहुत अच्छे संपर्क हैं। इन्होंने ये भी बताया कुछ आबकारी अधिकारियों के नाम भी लिए, वो नाम मैं सार्वजनिक नहीं कर सकता। साथ ही विधायक और मंत्रियों से, सांसदों से इनकी पहचान होना बताया कि हमारी पहचान है, काफ़ी पहचान है, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। देखिए सर, एक फ्रेंचाइजी को शुरू करने में तकरीबन 15 से 20 लाख रुपये की लागत आती है, ठीक है? तो हम जो फर्नीचर बनवाते हैं, सिक्योरिटी मनी देते हैं, फ्रेंचाइजी फीस देते हैं, ये तो मेरा सब कुछ बर्बाद हो चुका है। और इनकी ख़राब बाइन के कारण हमारे पास ग्राहक भी नहीं आते थे, क्योंकि इन्होंने तो अपने 70 से ज़्यादा आउटलेट इन्होंने बढ़ा लिए। और अब आप क्या चाह रहे हैं? शासन वाइनरी की जाँच करे। ये क्या है, इनके पास जो अंगूर के जूस का प्रोडक्शन है, अंगूर का प्रोडक्शन है, वो बहुत सीमित है और जितनी मात्रा ये मध्य प्रदेश में बेच रहे हैं वो बहुत ज़्यादा है। इनके प्रोडक्शन से काफ़ी तिगनी मात्रा में ये बेच रहे हैं। ये 200 एकड़ में खेती करते हैं अंगूर की, 200 एकड़ में खेती करने से इनको लगभग 2 लाख किलो के आसपास अंगूर प्राप्त होता है और उन 2 लाख अंगूर से इनके पास 1.5 लाख लीटर इनके पास जूस प्राप्त होता है। तो आपके कहने का मतलब ये है, जूस प्राप्त होने के बाद 1.5 लाख लीटर जूस प्राप्त होता है और आज की डेट में ये तकरीबन 4-4.5 बल्क लीटर वाइन मध्य प्रदेश के अंदर बेच रहे हैं। तो मेरा प्रश्न है कि ये बाकी का जो जूस का डिफरेंस है वो कहाँ से ला रहे हैं आप?